हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, अगर मेरे चैनल पे आप लोग प्लीज़ नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आज का वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड था काफ़ी दिन से, तो यहाँ मैं अपने लुक को पहले दिखा दे रही हूँ, उसके बाद मैं हैंकी टकिंग। यहाँ पे मेरे लुक देखे इस तरीके से, पहले कैसे थे अब मैं इस तरीके से आ गई आप लोग के सामने। तो यहाँ पे मैं आप लोग को आज हैंकी टकिंग करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से, ये देखिए मेरा लुक कैसा लग रहा है। आई होप आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। और मैं येलो कलर की साड़ी पहनी हूँ, तो येलो कलर मुझे काफ़ी पसंद है, तो यहाँ पे भी मैं हमेशा पहन लेती हूँ। तो आई होप, चलिए ये रिक्वेस्टेड वीडियो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जब मैं लॉकडाउन, मेरा लगने वाला लॉकडाउन था, उसी समय मुझे रिक्वेस्ट आया था, अप्रैल नहीं लग गया था, अप्रैल में मुझे आया था रिक्वेस्ट हैंकी टकिंग करके दिखाने को, पर मेरे पास समय नहीं था और मुझे इतने काम थे, मैं नहीं कर पाई थी। तो सॉरी। और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर थे जो हमें कमेंट किए थे, हमसे रिक्वेस्ट किए थे मुझसे कि नहीं दी आप करो, तो उसमें मैं नहीं कर पाई थी। आज मैं वो हैंकी टकिंग का करती हूँ। और हैंकी टकिंग करना, मैं देखिए मैं कई 3 से 4 स्टेप में मैं आप लोग को दिखा रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं, ये मेरी हैंकी बड़ी है, कॉटन है, बड़ी है, जेंट्स वाली टाइप, जेंट्स है, लेडीज नहीं, छोटी है। छोटी हैंकी जैसे थोड़ा सा कंफर्टेबल भी नहीं था, बहुत छोटा होता काम नहीं। यहाँ देखिए इस तरीके से फर्स्ट नंबर इस तरीके से हैंकी टकिंग को करेंगे हम। और ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ फर्स्ट तरीके से ये है, और फिर मैं इसके बाद ये देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छे से, जब थोड़ा सा मेरा बहुत टाइट बंधा रहता है वो, तो उसे अच्छे से वेयर हो जाता, नहीं तो हिलता रहता, निकलता रहता है। और दूसरी तरीके से फिर मैं देखिए आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरीके से हैंकी दूसरे तरीके से, जैसे भी वैसे मुझे तो फ़िलहाल अच्छा लगता है इसी तरीके से बड़ा हैंकी, और बड़े तरीके से उसे खोल के, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब भी ज़रूरत होती है तो हम अपने हैंड को उसी पोछे, नहीं छोटा रहता है तो निकालने करने में प्रॉब्लम होती है और हाथ भी साफ़ नहीं हो पाते, तो इसलिए मैं हमेशा बड़ा ही हैंकी यूज़ करती हूँ। आप लोग देखे भी होंगे मेरे वीडियो में काम भी करते समय। तो ये देखिए दूसरा तरीका ये है जो हैंकी टकिंग का, और आप लोग के ही रिक्वेस्ट पे मैं आज ये वीडियो को बना रही हूँ, नहीं तो इतने ज़्यादा लोग बनाते हैं हैंकी टकिंग का वीडियो, पर मुझे जैसे लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी तो मैं इसे नहीं करती थी। लेकिन आज मुझे रिक्वेस्ट जो पहले का था, मैं सोची अपने प्यारे से सब्सक्राइबर का आज रिक्वेस्ट पूरा ही कर दूं, तो ये दूसरा तरीका है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ अब तीसरा तरीका, जो जिस तरीके से हैंकी टकिंग की जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से, ये देखिए मैं अलग अलग तरीके से आपको बता रही हूँ, जिससे एक अलग से लगे इस साइड में। और हम जब इस साइड में हैंकी टकिंग करते हैं ना, तो यह इधर का एकदम बिल्कुल दिखाई नहीं देता और काफ़ी अच्छे तरीके से वेयर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इधर का साइड का तो ऐसे दिखता है, इधर का नहीं, तो ज़्यादा अच्छा तो इधर ही से होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। और ये देखिए आगे मैं क्या लगाई हूँ, हेयर पिन, मुझे सेफ्टी भी नहीं मिल रहा था, और ये कॉटन है, मोंगा कोटा की साड़ी है, इसलिए मुझे पसंद है इस तरीके की साड़ी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो यहाँ मैं लगा ली हूँ, क्योंकि हम लोग तो जुगाड़ू हैं ही, जब सेफ्टी पिन उस समय नहीं मिल रहा था, मैं काम कर रही तो मुझे हेयर पिन ही दिख गया, तो मैं उसी से कर ली, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। शायद आप लोग के लिए भी ये चीज़ें यूजफुल हो जाए कभी कभी, ऐसे तो आप लोग देखते ही हैं साड़ी वेयर जब हम करते हैं, संभालते हैं, तो उस समय हम कैसे किस तरीके का वो क्लिप होता है जो हमारा कपड़े का पिन होता है, उसे सब लोग करके टकरते हैं। बट आज मैं यहाँ पे हेयर पिन आप लोग को दिखाई हूँ कि हम अपने साड़ी को, प्लेट को बैठाने के लिए किस तरीके से हेयर पिन को यूज कर सकते हैं, और कभी कभी उसे अगर थोड़ा सा अच्छे लुक वाला बड़े हिस्से में उस तरह में ले ले डिजाइनर, तो उससे लगेगा। ये देखिए ये मेरा तीसरा तरीका हैंकी टकिंग है, और जो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को अच्छा लगेगा, ये होप आप लोग को हेयरफुल होगा, यूजफुल होगा। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे मैं कर रही थी, और क्योंकि थोड़ा सा मेरा ट्राइपॉड गड़बड़ा गया है, जिसके कारण मैं इधर रख के अपना बना रही हूँ, तो ये इधर से ही दिखाई दे रहा है, पूरा सामने सीधा सीधा नहीं था, तो मैं यहीं पर ही बना रही थी।
देखती हूँ, फिर मैं उसे मंगाती हूँ या सही करवाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कुछ जो हैंकी होती है ना टंगती इस तरीके से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हद से भी ज़्यादा अच्छा लगता है और चलने में भी लगता है कि यार कुछ लगा। और एक चीज़ इसके साथ अगर हम वो होता ना चाबी का छल्ला किरिंग उसे भी टक कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक दिन मैं सोच रही हूँ उसे भी टक करके आप लोग को दिखाऊंगी, अगर आप लोग का कमेंट आएगा या आप लोग को पसंद होगा तो। और वो मुझे हद से भी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वो थोड़ा सा टांग के जो चाबी भी लगा रहता ना जब चलते है तो छन छन बजता है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से है। तो ये मैं चौथा स्टेप चल रही हूँ आप लोग के साथ देखे शेयर करने किस तरीके से। और ये इस तरीके से जो हैंकी टकिंग है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका लुक देखने से एक लगता है कि हाँ दो हैंकी या तीन हैंकी के बराबर लगता है। और इसके प्लेट बाय प्लेट से हिसाब से बनता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो मेरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए यहाँ पे लग रहा है दो से तीन हमारी हैंकी है जो यहाँ पे मैं टक की हूँ, बट है एक ही, आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं आज रिक्वेस्ट जो था उसे पूरा कर दी। मुझे लगता था कि कई लोग इतने लोग बनाते हैं हैंकी टकिंग का, क्या मैं बनाऊँ, मैं मुझे नहीं बनाना चाहिए, तो यही मेरे मन में चला था इसलिए मैंने कर दी। पर रिक्वेस्ट पूरा करना था तो करना था। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया, जिस तरीके का वीडियो चाहे तो आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर थोड़ा सा लुक को निकाल दी हूँ आप लोग के दिखाने के लिए। ये देखिए इस तरीके से आप रह सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए लोग कहेंगे तो मैं इसी तरीके से लाती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।